दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, जब भी हमारे जीवन में बीमारियाँ बार बार एक के बाद एक बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ कारणवश एक के बाद एक परेशानियाँ आती ही रहती हैं हमारे जीवन में, तो पूजनीय पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में इसके लिए एक विशेष उपाय का वर्णन किया है। बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है, लेकिन लगातार 7 दिन आपको यह उपाय करना है। 8वें दिन आपको शिव की कृपा होगी और आपको उस बीमारी से, उस रोग से, उस परेशानी से निजात प्राप्त होगी। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको एक लोटा जल लेना है। आप एक लोटा कलश में जल ले लें आप, और उस कलश में आपको 2 चावल के दाने डालने हैं, यानी 2 अक्षत के दाने, 2 चावल के दाने आप उसमें कलश में डाल लें। अब इस कलश के जल को सबसे पहले आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और या तो आपको शमी का वृक्ष मिल जाए या फिर आंवले का वृक्ष मिल जाए, आप दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप इसे डालें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है। या तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन से शुरू करें, या फिर आप इसे सोमवार के दिन से या प्रदोष के दिन से, पर लगातार 7 दिन आपको यह उपाय करना है। आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएँ दूर होंगी, साथ ही भगवान शिव की आप पर कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा होगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है और महादेव का भी वास होता है, इसीलिए उन्हें पिपलेश्वर महादेव भी उनका एक नाम है। बेलपत्र में तो श्री शिव जी का वास होता ही है, और आंवले में श्री हरि विष्णु का, और समी में शिव जी का वास होता है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताएं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।